अपना काम है कि किसी के लिए, या तो हम कहते नहीं और करते हैं, तो फिर किसी के लिए भी मैंने कहा कि भैया महाराजा अग्रसेन की संतान है, सूर्यवंशी हैं, एक बार जवान दे दी तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हलोपा मेरी है, तो ये सब मेरे हैं, तो सब लोग ही मेरे हो गए अब तो। मिलकर के मैं समझता हूँ कि हम ये एक डबल इंजन ऊपर है दिल्ली और चंडीगढ़ का, एक इंजन यहाँ भी तैयार करेंगे, डबल इंजन अयोध्या भी जाएंगे, सब जाएंगे, आज उसकी भी घोषणा हुई है। हमारा मिलाप कई बार होता है, हम तो गोवा में भी मिले हैं, हमारे तो मिलाप चलते रहते हैं। हाँ ये है कि सार्वजनिक तौर पर बड़े उस पर कई बार वो करना भी होता है। मान लीजिए मनोहर लाल जी आए, कुछ औपचारिकताएँ होती हैं, इनकी अपनी पार्टी है, तो सब बढ़िया है। मीटिंग देखो, हमने वर्कर मीटिंग बहुत देखी है, पर लोगों का, साथियों का, एक परिवार की तरह, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ की जनता परिवार है, वैसे ही सरसा और जहां जहां हमने इलेक्शन लड़ा और जो 9 की 9 सीटें हैं सिरसा की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो जनता एक परिवार की तरह है। और आपने ये प्रेम प्यार आज देख लिया एक छोटे से बुलावे पर। मेरे पास 50 फ़ोन तो आए कि भाई साहब बारिश आ रही है, कणक वो कर रहे हैं, आ नहीं पाए, लेट हो गए, कोई नहीं, मैं क्या चिंता ना करो, थोड़ा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। तो मतलब लोगों का इतना प्यार, और आपने देखा कि सारे वर्कर आके और सब ने एकजुट में एक आवाज़ में कि हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही नारा है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे। उस जन जन के सम्मान को और लोकहित के काम के नारे को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही काम है कि धर्म को साथ लेकर राजनीति करना, धर्म के साथ राजनीति करना। धर्म के साथ राजनीति करने वाले व्यक्ति कभी भी कोई भी ऐसा काम, कोई भी जनता के साथ, कोई भी उसकी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। और उसी सोच का परिणाम है कि हम आज NDA का हिस्सा है हरियाणा लोकहित पार्टी। आज हरियाणा के अंदर पहले 2 पार्टी थी, आज अगर कोई पार्टी NDA में है तो वो हरियाणा लोकहित पार्टी है। तो मैं आज सभी वर्करों को एक संदेश दिया कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी से हम कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालें, ताकि जो उनका एक नारा है NDA का 400 पार, वो पूरा हो। और हरियाणा के अंदर वैसे भी NDA में होने के नाते हमारा फ़र्ज है, और कि आज इस देश का जो गौरव मान सम्मान जो पूरी दुनिया में फैला है, और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका जो ज़मीन से लेके चांद तक जो तिरंगा फहराया है उन्होंने और जो फहर रहा है, उसके लिए हम सब आभारी हैं उनके। और ऐसे प्रधानमंत्री जी को हमें सिरसा की धर्म नगरी से एक बहुत ज़्यादा मार्जिन से सीट देनी चाहिए जिता करके, उसी का एक संदेश दिया। तो सभी लोगों ने एकजुट हाथ खड़े करके कहा कि हम हर कीमत पर जो आपने बोला है वो काम करके दिखाएंगे। जी अशोक तंवर के लिए आगे किस तरह प्रचार करेंगे आप, गांव-गांव जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई साहब, गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। ये इलेक्शन देखो अपना काम है कि किसी के लिए, या तो हम कहते नहीं और करते हैं, तो फिर किसी के लिए भी मैंने कहा कि भैया महाराजा अग्रसेन की संतान है, सूर्यवंशी हैं, एक बार जवान दे दी तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी के साथ ही हम सरकार के साथ भी हैं कि अनकंडीशनली सपोर्ट क्या है। मेरे को कहा खट्टर साहब ने, मैंने कहा मेरी सपोर्ट ये है कि मैंने आपसे काम कहा था, काम तेरा गोपाल कौन सा नहीं हुआ, मैं कहा हर काम आप कर रहे हैं, हो रहा है, और मैं आपके साथ हूँ, तो हम उसी बात पे हैं। जी खट्टे मीठे अनुभव हर जगह हर परिवार में होते हैं और होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना अगर खट्टे का स्वाद नहीं पता होगा तो मीठे का स्वाद आपको पता ही नहीं होगा। मेरी तो ये सोच है, और बाकी पता नहीं आप क्या सोचते हो। किसानों का भी बहुत विरोध है। देखो किसानों का विरोध नहीं है सैनी साहब, मैंने बड़ा नज़दीक से गोविंद के इलेक्शन में देखा, क्योंकि गोविंद के इलेक्शनों में जितना विरोध था, आप सभी साथी मुझे बताएं ईमानदारी से, आज उतना विरोध है जो गोविंद के इलेक्शन के टाइम इलाहाबाद था, है उतना आज नहीं है ना, उतना नहीं है ना। तो जब उस टाइम जो विरोध था वो भी क्या था, ये जो और पार्टियां हैं किसानों को बदनाम कर रही हैं। किसान कभी भी नहीं चाहता कि सरकार के या किसी भी काम के अंदर वो अड़चन डाले या कुछ करें, अपनी बात हर इंसान को हक है रखने का, किसान को भी है, मैं किसान के साथ हूँ, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं,
तो किसानों की आड़ में उनका नजायज़ फ़ायदा कुछ पार्टियां कुछ लोग लेते हैं, और बाकी किसानों के लिए जितना ही सरकार ने किया है मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच किसी और सरकार की रही हो कभी, नीचे से लेके केंद्र तक, हरियाणा से लेके मोदी जी तक। जी किसानों को कोई आमंत्रण दिया जाएगा बातचीत के लिए भी? भाई साहब हमेशा आमंत्रण दिया है, आज भी किसानों को कोई बात रखनी है कोई भी बात कहनी है, अगर मान लो केंद्र में खट्टर साहब को, तो मैं तैयार बैठा हूँ, मेरे को बोले आगे कि अभी चलो चलता हूँ, ये बैठे अशोक जी, बातचीत करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है, सब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के किसानों के बारे में, फसलों के बारे में जो रेट हैं, मुझे नहीं लगता, कुछ कुछ चीज़ों के तो ऐसे रेट हैं जो पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा हैं। बीजेपी की कार्य से आप पूरा प्रभावित हैं, बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप? देखो मेरी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, जो NDA का एक हिस्सा है, हिस्से के अंदर जब आप किसी के पार्टनर हैं तो पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर क्या मतलब, पार्टनर का मतलब साथ हैं, तो वैसे हम साथ हैं। अभी, क्यों? अभी आपने कहा था कि 2009 से पहले एक अलग राजनीति, 2000 करता था ऐसी राजनीति जो, देखो वो आपसे नहीं छुपी हुई है, जो हरियाणा में भी मशहूर थी और यहाँ भी थी और हर जगह थी, क्योंकि वो एक लूट खसोट की और हर आदमी को परेशानी की राजनीति थी, उससे निजात दिलाने में हरियाणा लोकहित पार्टी ने बहुत काम किया है और लोगों ने साथ दिया, इसीलिए कि हमें उस लूट खसोट की राजनीति से छुटकारा मिले। और आज हरियाणा के अंदर कौन है, हरियाणा में देखो मैं कहूं कि हरियाणा लोकहित पार्टी है या कोई और पार्टी है, कोई पार्टी नहीं। बात रही, अब आपको नाम लेके जो पूछना चाहते हो तो बताऊं, NLO की और JJP की, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं जिंदा रहने की, भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी, आपके सामने होएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल, वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है और ये आप भी जानते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी NDA का हिस्सा है, तो सिरसा के साथ साथ और क्षेत्रों में कैसे प्रचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हरियाणा के और हिस्सों में भी प्रचार की कोई रणनीति बनाएगी? बिल्कुल है, हरियाणा के और हिस्सों में मैं एक दो जगह तो जा चुका, और जहाँ देखो हरियाणा लोकहित पार्टी हरियाणा में उनके साथ है, हरियाणा और हरियाणा के बाहर जहाँ मेरा वजूद है, जहाँ मुझे लोग जानते हैं, जहाँ लोग मुझे प्यार करते हैं, जहाँ पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, हरियाणा लोकहित पार्टी वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस इलेक्शन में उनके साथ खड़ी है। पाल जी कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं, शैलजा आ रही हैं यहाँ से, शैलजा तो पहले भी आई थी वैसे, मैं क्या किया बता दो, कौन नहीं जानता शैलजा को, भी यहाँ आई थी पहले और दो दो बार जीती हैं, और क्या हुआ, अभी बैठा था जो खजांची परिवार बताया ना आपको, 20 बार उनके घर खाना खाया है बहन शैलजा जी ने, जब प्रेम सुखदास जी और ये राजू जो खुद बैठा था, बोला भाई साहब हम दिल्ली गए हमें पहचाना ही नहीं, उसने बात तक नहीं की, क्या फ़ायदा, ऐसे मैं 50 आदमियों को जानता हूँ, भागीरथ गुप्ता जी सामने ही हैं अभी, बाहर ही खड़े होंगे, वो मेरे घर लेके भी आए थे उसको, और चौधरी दलवीर सिंह जी के साथ इनका ऐसा संबंध रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं है, कोई भी आए, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए और अपने देश के गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का फूल खिलाना है, बाबा सरसाईनाथ की नगरी से, जो कि आप सबके सपोर्ट से होगा, और मेरी विनती है आप सब साथियों को भी कि आप पूरी पूरी सहयोग और सपोर्ट करें अपने देश धर्म को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए। और देखो ड्यूटी किसी की भी लग सकती है, उस कमल के फूल को किसी के भी हाथ में दे दिया, हमें कमल के फूल का बटन यहाँ से दबाना है और कमल का फूल मोदी जी की झोली में जाके गिरे, वो काम करना है। ये जो सो कॉल्ड विरोध है, किसी किसान संगठन के बैनर तले नहीं है, वही लोग हैं जो दिग्विजय का विरोध कर रहे हैं, वही आपका है, वो एक्सपोज भी हो चुके हैं किसी न किसी पार्टी के साथ, उस पर क्या कहना है? देखिए वैसे तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है, लेकिन कल कोई कुछ कांग्रेसी भी उनके साथ दिखाई दिए, इक्का दुक्का हो सकता है, और हमने ये बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसान मजदूर गरीब कर्मचारी हो छोटे से छोटा, जब माताओं बहनों के शौचालय के बारे में सोच सकते हैं, उनको शौचालय बना करके दे सकते हैं, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए उनका वचन है, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जब उनका संकल्प है, तो सबकी वो सुन रहे हैं। और अगर आप देखेंगे किसानों के खातों में पैसे, तो अभी एक दो साथियों ने चर्चा भी करी थी इस बात की कि किसानों के खातों में केवल
अगर हम सिरसा पार्लियामेंट की बात करें तो 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए की राशि वो फसल बीमा की, वो मुआवजे के रूप में, वो किसान सम्मान निधि के रूप में वो किसानों के खाते में डाली है। पुराने समय में क्या होता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी किसान संगठन अगर सरकार के साथ वार्ता करता, पीछे भी वार्ता हुई, अब क्योंकि चुनाव का माहौल आ गया था तो उसके बाद क्या रहा वो ऊपर वाले जो पार्टी का नेतृत्व है वो जानता है, जो मीटिंग के लिए बुलाया था, या फिर किसान संगठनों को पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई न किसान का भला कर सकता है, न गरीब का भला कर सकता है, न उद्योग जगत को आगे बढ़ा सकता है और न हमारे 140 करोड़ लोगों का उद्धार कर सकता है। तो इसलिए सब लोग पूरी मजबूती से किसी उसमें ना आए, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। मैं तो किसान जो नेता हैं, मैं गांव में गया, एक दो जगह बहुत सीनियर लीडर हैं जो 20-30 लोगों की कमेटी में भी वो हैं, मैंने उनसे ऐसे ही बात की। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे समय में वो भी अपने अपने तरीके से इलाके का नेतृत्व करते रहे। कल भी मेरे को साथियों ने रोका, मैं रोक करके हमारे नोया वाली उधर उसके रास्ते में खड़े थे कुछ किसान बंधु, मैंने उनसे भी बात करी। तो कई बार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से वो कुछ लोग पेश करते हैं। वैसे किसान बंधु हो, पूरा हरियाणा हो, पूरा देश है, आज 400 पार अगर होंगी तो हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति, पूरा देश चाहेगा तभी तो होंगी। और देश ने 2 बार जनादेश दिया है। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लिए लगी हुई है, देश को बनाने का संकल्प लेकर के लगी है, उसमें एनडीए में लोकहित पार्टी जैसी पार्टियां हैं, हरियाणा की इकलौती पार्टी है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, विकास के कार्य हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो पूरा इंडिया अलायंस है, जिनको बार बार मौका दिया जो कर नहीं पाए, आज वो केवल मोदी विरोध के चलते आज हाशिए पे पहुंच गए। और खुद एनडीए जो इंडिया अलायंस है उसके खुद घटक दलों ने कहा, ममता बनर्जी ने खुद कहा कि ये 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि देश पूरी मजबूती से आने वाले समय में, आज बाबा साहब की जयंती भी है, बाबा साहब की जयंती पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब हों, चाहे हमारे महापुरुष हों, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हों, चाहे वो हमारे चौधरी चरण सिंह जी हों, भारत रत्न जिस तरीके से अभी दिया है तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए काम करती है और करती रहेगी। डॉक्टर साहब, आज HLP के साथ मिला है, गोपाल कांडा जी के साथ मिला है, किस रूप में देखते हैं आप? देखो, मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हलोपा मेरी है, तो ये सब मेरे हैं, तो सब लोग ही मेरे हो गए अब तो इसलिए सब लोग मिल कर के निश्चित तौर पर लंबे समय से ये परिवार समाज सेवा में, धर्मार्थ के, चरितार्थ के काम में लगा रहा है। और पिछले 15 वर्षों में ये दूसरी बार विधायक बने हैं, आगे फिर और मजबूत हों, इसी तरीके से और सेवा करें और मिलकर के मैं समझता हूँ कि हम ये एक डबल इंजन ऊपर है दिल्ली और चंडीगढ़ का, एक इंजन यहाँ भी तैयार करेंगे, डबल इंजन अयोध्या भी जाएंगे, सब जाएंगे, आज उसकी भी घोषणा हुई है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक तरफा चुनाव होगा, जो विपक्ष है वो अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, उनको पता है जीत के लिए कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं। डॉक्टर साहब, लंबे समय बाद भारत मिलाप हुआ है? नहीं, हमारा मिलाप कई बार होता है, हम तो गोवा में भी मिले हैं, हमारे तो मिलाप चलते रहते हैं। हाँ, ये है कि सार्वजनिक तौर पर बड़े उस पर कई बार वो करना भी होता है। मान लीजिए मनोहर लाल जी आए, कुछ औपचारिकताएँ होती हैं, इनकी अपनी पार्टी है, तो सब बढ़िया है।